नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं आपसे सीबीडी स्टोन का क्या ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में बात करूँगा। देखिए, गॉल बैडर एक ऑर्गन होता है जो लिवर के साथ जुड़ा हुआ होता है। गॉल बैडर का काम होता है लिवर से जो बाइल सेक्रेट होता है उसको स्टोर करना, और ये जो गॉल बैडर होता है ये एक पतली सी ट्यूब जिसको कि कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, इसके ज़रिए ये आंतों से जुड़ा हुआ होता है। और ये कॉमन बाइल डक्ट इंटेस्टाइन के में जो का जो हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको ड्यूडनम कहते हैं, उसमें जाकर के ये ओपन होती है। तो गॉल बैडर के होने वाले सबसे कॉमन डिजीजेज में गॉल बैडर का स्टोन होता है, यानी कि थैली में पथरी। बहुत डिटेल मेरा एक वीडियो है जिसमें इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो प्रारंभिक जानकारी है। कई बार क्या होता है कि ये जो गॉल बैडर का स्टोन होता है ये निकल करके बाइल डक्ट में चला आता है, तो इससे पेशेंट्स को जॉन्डिस होना, पैंक्रेटाइटिस होना, ये चीज़ हो सकती है। गॉल बैडर का स्टोन अगर सिम्टोमेटिक हो तो उसका इलाज ऑपरेशन होता है। साथ में अगर पेशेंट को जॉन्डिस हो या पैंक्रेटाइटिस हो तो ये जानना जरूरी होता है कि साथ में बाइल डक्ट यानी कि पित्त की नली में भी पथरी है या नहीं। अगर है तो फिर उसको डायग्नोज करने का जो टेस्ट, अगर अल्ट्रासाउंड में दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अल्ट्रासाउंड में ना दिख रहा हो और जॉन्डिस हो तो MRCP या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड EUS, ये दो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके जरिए हम इसको कन्फर्म कर सकते हैं। और इसको निकालने का तरीका ERCP होता है। ERCP यानी कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रीटोग्राफी। इसमें इस प्रक्रिया में एंडोस्कोपी के जरिए हम इंटेस्टाइन के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां पे बाइल डक्ट इंटेस्टाइन में खुलती है, उसमें एक हल्का सा चीरा लगाते हैं और एक कैनुला यानी कि एक पतली ट्यूब अंदर डालते हैं और कंट्रास्ट इंजेक्ट करके एक्सरे में स्टोन को देखते हैं और रास्ता थोड़ा बनाते हैं यानी कि पैपिलोटमी। और जब ये रास्ता खुल जाए, यदि स्टोन छोटा हो तो बहुत आसानी से उसको बास्केट या बलून या एक्सेसरीज होते हैं जिनके जरिए उसको निकाल सकते हैं। तो गॉल बैडर का ऑपरेशन जब भी होना हो उसके पहले स्टोन हो, छोटा स्टोन हो, इसको निकाल देते हैं। कई बार यदि जॉन्डिस हो, इन्फेक्शन हो, तो हम एक पतली ट्यूब यानी कि बाइल डक्ट में स्टेंट डाल देते हैं और ऑपरेशन के बाद फिर स्टेंट को रिमूव करते हैं। तो ये तो छोटे स्टोन्स की बात हो गई। अगर स्टोन्स बड़े हों, बड़े स्टोन्स जनरली 12 mm या 15 mm से बड़े स्टोन हो, तो कई बार उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें कि जो पैपिला यानी कि रास्ता ये जहाँ खुल रहा है उसको एक बलून से डायलेट कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक पैपिलरी डायलेटेशन, बलून डायलेटेशन, जिससे कि बड़ा स्टोन भी अगर है थोड़ा तो वो आसानी से आ जाएगा अगर बाइल डक्ट का नीचे का हिस्सा थोड़ा संकरा है तो। या लिथोट्रिप्सी यानी कि स्टोन को क्रश करना। लिथोट्रिप्सी के कई सारे तरीके होते हैं। जो कन्वेंशनल पुराना तरीका है उसमें नॉर्मल बास्केट से एक बड़ा बास्केट होता है जो बाहर एक मशीन के जरिए हम स्टोन को उसमें पकड़ करके क्रश कर सकते हैं, इसको मैकेनिकल लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी यानी कि स्टोन को तोड़ना। अगर स्टोन काफ़ी बड़ा है या स्टोन बिल्कुल इम्पैक्टेड है, फंसा हुआ है, निकल नहीं सकता है, तो जो अभी के टाइम पे सबसे कॉमन तरीका है उसको हम कहते हैं लेज़र लिथोट्रिप्सी, यानी कि लेज़र की रेज के जरिए उसको तोड़ना। लेज़र की रेज को जो डिलीवर करते हैं बाइल डक्ट के अंदर, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पाई ग्लास। एक पेटेंटेड सिस्टम है जिसमें कि एंडोस्कोप के अंदर से ही एक पतली ट्यूब जाती है और उसके अंदर से फिर लेज़र की बीम जाती है और स्टोन पर फोकस करके उसको तोड़ते हैं। जनरली जब मैकेनिकल लिथोट्रिप्सी से हम स्टोन को तोड़ते हैं तो उसके टुकड़े फिर जब छोटे हो जाते हैं उसको कन्वेंशनल तरीके से बलून से या बास्केट से फिर उसको निकालते हैं और फिर ऐसी प्रोसीजर में जनरली एक स्टेंट डाल देते हैं ताकि कोई छोटा कण पार्टिकल छूट गया हो। ये प्रोसीजर लंबा हो सकता है और जनरली डीप सिडेशन या प्रेफरेबली एनेस्थीजिया के अंदर किया जाता है, क्योंकि आधे घंटे से 45 मिनट या कई बार उससे भी ज़्यादा टाइम इसमें लग सकता है। तो जब भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो ना हो और ये चीज़ें पहले बाइल डक्ट में स्टोन हो, छोटा स्टोन हो, बहुत ही आसान चीज़ है, बड़ा स्टोन हो, फिर उसके कई सारे जो तरीके जो मैंने आपको बताए। कई बार अगर किसी चीज़ से स्टोन नहीं निकल रहा हो तो लैप्रोस्कोपिक बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक विकल्प होता है। बट अभी के समय में जब एंडोस्कोपी और ERCP में इतनी एडवांसमेंट है और बड़े स्टोन्स को तोड़ने के हमारे पास कई सारे जरिए हैं, तो लैप्रोस्कोपिक बाइल डक्ट एक्सप्लोरेशन एक बहुत ही अनकॉमन चीज़ हो गई, जो ज़्यादातर अब सर्जन्स भी खुद करना नहीं चाहते क्योंकि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन पहले हो चुका और बाद में बाइल डक्ट में स्टोन हो गया, इसको हम कहते हैं पोस्ट पॉलीसिस्टेक्टमी बाइल डक्ट स्टोन। ऐसी हालत में तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना ऑपरेशन के अगर स्टोन को निकाला जा सके। कई बार ये स्टोन बड़े हो सकते हैं, तो ऐसी हालत में हमारी पूरी कोशिश होती है कि बिना ऑपरेशन के जरिए। कई बार अगर बड़ा स्टोन हो तो इसमें यह समझने की ज़रूरत होती है कि
दो या तीन सेशन भी लग सकते हैं, प्रायः दो सेशन लगते हैं, जबकि पहली बार में स्टोन को चूरा किया जाए, टुकड़ा किया जाए, लिथोट्रिप्सी, मैकेनिकल या लेजर, और इसके बाद स्टोन हटा करके स्टेंट डाल दिया जाए, और 4 से 6 हफ्ते के बाद। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर पेशेंट को ज़्यादा जॉन्डिस हो, इन्फेक्शन हो और पेशेंट की हालत अच्छी नहीं हो, तो हम पहले सिर्फ स्टेंट डाल करके छोड़ते हैं, उस समय इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, फिर आगे जब पेशेंट की कंडीशन बेटर हो जाए तो हम उसको फिर सेकेंड प्रोसीजर में निकाल देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कई बार ये प्रोसीजर्स एक से ज़्यादा बार किए जा सकते हैं, जो पेशेंट की कंडीशन अगर सिक हो तो, या स्टोन बड़ा हो और उसको मैकेनिकल लिथोट्रिप्सी या किसी अन्य लिथोट्रिप्सी के प्रोसीजर के जरिए किया गया हो। तो CBD का स्टोन जहाँ तक सवाल है, कॉमन बाइल डक्ट का स्टोन मोस्टली ये एंडोस्कोपी के जरिए निकाला जा सकता है, ये प्रोसीजर ऑपरेशन से पहले इलेक्टिवली या इमरजेंसी अगर जॉन्डिस, पैंक्रियाटाइटिस हो तो, या ऑपरेशन के बाद भी कई बार ये प्रोसीजर होते हैं। ये एक सिंपल प्रोसीजर होते हैं रिलेटिवली, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्किल और एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। तो जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े, किसी अच्छे हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।